गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम ज्योति यादव विद यू एंड वी आर डूइंग आर चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ यू एस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर. सो लास्ट जो टू वीडियोज़ थे उसमें हम हेजेमनी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इसमें भी हम उसी के एक टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेजेमनी एक सॉफ्ट पावर की तरह से किस तरह से काम करती है. सॉफ्ट पावर इन द सेंस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल जो स्फेयर्स है उससे हम ले सकते हैं कि किस तरह से हम इंस्पायर होते हैं, जो आइडियोलॉजी है किसकी, बेसिकली हेजेमन यानी कि जो हेजेमन कंट्री है उसकी आइडियोलॉजी से हम किस तरह से इंस्पायर होते हैं और किस तरह से उसकी जो चीज़ें उनको अडप्ट करते जाते हैं और अपने आप को एक तरह से हेजेमनी में धकेलते जाते हैं. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो यू विल लुक हियर, अमेरिका डोमिनेट्स इन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स ऑल्सो. तो लास्ट की अगर पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो किस तरह से पूरी कंट्री को डोमिनेट करता आया है, एज अ हेजेमन वो काम करता है पूरे वर्ल्ड में. सोशली अगर बात करें उसमें भी, पॉलिटिकल स्फेयर्स की बात करें तो उसमें भी, मिलिट्री की अगर हम बात करें उस स्फेयर्स में भी, और आप आइडियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो अमेरिका है वो एक तरह से डोमिनेंट की तरह ही काम करता है. तो डोमिनेंट क्या, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं थॉट्स की, ड्रीम्स की, लाइफस्टाइल की, कि आप देखोगे कि उस टाइम पर भी जो हमारे यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो पूरा वर्ल्ड था टू सुपर पावर्स में डिवाइड था, यूएसए और यूएसएसआर. तो जो यूएसएसआर था, हालांकि वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल जो आइडियोलॉजी अपनाई गई थी वो थी सोशलिज़म, लेकिन फिर भी वहाँ के जो पीपल थे वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते थे किससे, यूएसए की आइडियोलॉजी से, क्योंकि हर फ्रीडम तो हर कोई चाहेगा. अब आप सोचो कि आपको बोला जाए कि आपको एक फ्री सोसाइटी दे दी जाए, आपको एक फ्री एनवायरनमेंट दे दिया जाए, आप उसमें रह सकते हो, आप अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हो, आपका जो मन आए वो आप खा सकते हो, जहाँ मन आए वहाँ पर जा सकते हो, तो आपको वो सोसाइटी में रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा. उसके अलावा अगर अपोजिट हम बात करें, आपको अगर एक ऐसी सोसाइटी में रहने के लिए बोला जाए जहाँ पर क्या हो, ना तो आपको कोई मींस आपके ऊपर कुछ क्या हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, तो वहाँ पर आप रहना पसंद नहीं करोगे. अगर दोनों आपको ऑप्शंस दिए जाएं तो आई एम श्योर दैट यू विल चूज द फर्स्ट वन, दैट यू वांट टू लिव अ फ्री लाइफ, राइट. तो दिस इज़ द सेम हियर कि जो यूएसएसआर था कहीं ना कहीं उसके भी जो पीपल थे वो अट्रैक्ट थे जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी उससे. यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्या थी उसकी, डेमोक्रेसी थी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन था, और वहाँ पर हर किसी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग रहने की उसको पूरी फ्रीडम दी जाती थी. जबकि यूएसएसआर में सोशलिज्म था तो कहीं ना कहीं जो पीपल थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी. इवन जो हमने ब्लू जीन्स का एक एग्जांपल लिया था, एक जो स्टूडेंट है उसकी जो पूरी उसने एक स्टोरी जो बताई है उसके फादर ने, कि एक स्टूडेंट होता है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो ब्लू जीन्स पहनकर चर्च जाना चाहता है, लेकिन उसकी जो मदर होती है वो बोलते हैं कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट हम ब्लू जीन्स पहन के चर्च नहीं जा सकते. तब उसके फादर बोलते हैं कि एक याद करो कि जब हम रशिया में थे तो हम भी जो ब्लू जीन्स थी उनके लिए कितना क्रेज़ी रहा करते थे, हम भी चाहते थे कि ब्लू जीन्स हम पहने. तो वो उसी के एग्जांपल देते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि इसी तरह से जो बच्चा है उसको भी लग रहा है कि मुझे भी ब्लू जीन्स पहननी चाहिए. तो होता क्या था बेसिकली कि जो रशिया था यानी कि जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर में क्या होता था, जो ब्लू जीन्सेस थी वो ब्लैक मार्केट्स में बिका करती थी. आप सोचो यूएसए से ब्लैक जो ब्लू जीन्सेस थी वो लाई जाती थी और ब्लैक मार्केट्स में उनको बेचा जाता था. कहाँ पर, यूएसएसआर में. यानी कि लोग जो थे वो इतने ज़्यादा क्रेज़ी थे वहाँ की चीज़ों के लिए, वो चाहते थे कि वो क्या करें, एक तरह से मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने ब्लैक मार्केट से वो जीन्सेस खरीदनी शुरू कर दी. तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें, इंडिया की, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर हमारा जो कल्चर है वो क्या है, हमारा कल्चर यानी कि अगर हम ड्रेसेस की अगर बात करें तो ड्रेसेस हैं हमारे, साड़ीज़ हो गया, सूट्स हो गया, कुर्ता पाजामा हो गया, धोती कुर्ता हो गया, ये सारी चीज़ें. लेकिन हम क्या, हम वाकई वो सब पहनना चाहते हैं? मे बी आप सब आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि आप कंफर्टेबल ज़्यादा फील करोगे किस में, जीन्सेस में या फिर जो भी वेस्टर्न वियर्स हैं उसमें. तो वैसे ही सेम क्या है, हमारी कंट्री में भी आप देखोगे कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं. हम भी जो वेस्टर्न कल्चर है उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अडप्ट करते जा रहे हैं. हमारे जो थॉट्स हैं
थॉट किस सेंस में कि हम भी चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए, जैसे अमेरिका है वहाँ पर लोगों को पूरी फ्रीडम है, तो उसी तरह से हर कोई चाहता है कि वो भी एक फ्री एनवायरनमेंट में रह सके, अपने ड्रीम्स अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, बेसिकली देख सके, लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर सके, और जिस भी तरह से उसके जो व्यूज़ हैं थॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो चल सके, और जिस तरह से वो अपने आप को चाहे, यानी कि वो अपने आप को उस तरह से वो रख सके। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी सिंगर हो गया, कोई भी या फिर कोई एक्ट्रेस या फिर एक्टर है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो उसको फॉलो करो, या फिर इसमें ये चीज़ें अच्छी है तो उसको फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से अमेरिका का भी जो कल्चर था वो क्या था, एक फ्री कल्चर था जहाँ पर लोगों को फ्रीडम दी गई, और जो पूरा वर्ल्ड है उसके जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुई उससे, और उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिका को यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, उसको क्या करना पड़ा, केवल दिखाना पड़ा कि देखो भाई मेरे जो पीपल हैं वो कितने ज़्यादा फ्री हैं, वो फ्री माइंडेड हैं, फ्री थॉट्स हैं, अपने अकॉर्डिंग वो रहते हैं, अपना अलग लाइफ स्टाइल है उनका। तो इस तरह से केवल उसने अपने आप को पेश किया दुनिया के सामने, और जो लोग थे वो उससे अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपने आप से वो जो सारी चीज़ें थी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इसको इसीलिए हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं कि यहाँ पर अमेरिका ने किसी तरह का कोई डोमिनेशन दिखाया नहीं, बल्कि हम क्या हुए, खुद उस डोमिनेशन वाली जो साइड थी, स्फीयर थे, उसमें खुद अट्रैक्ट होते चले गए, और एक तरह से हमें पता ही नहीं चला कि कब हम हेजेमनी में हमने रहना शुरू कर दिया, राइट। तो बेसिकली यही सॉफ्ट पावर है कि जो आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स हैं या फिर जो कल्चर है हम उसके अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे। पहले भी जो USSR है और USA उसके आइडियोलॉजी के ऊपर क्या रहती थी, मतलब कि कोल्ड वॉर चल रही थी, आइडियोलॉजी भी उसका एक रीज़न था। तो यहाँ पर जो USA है वो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि USSR तो कोलेप्स हो गया, वहाँ जब वो कोलेप्स हो गया तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी वही मॉडल अपनाया जो USA में था, प्राइवेटाइजेशन, फ्रीडम एंड ऑल एंड फ्री लाइफ स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें अपनाई। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो हर कोई ये अपनाना चाहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सके, अपना लाइफ स्टाइल वैसा बना सके जैसा वो चाहता है। तो ये एक तरह से क्या था, ये अमेरिका क्या ही पूरे कंट्री पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है, पूरे सॉरी वर्ल्ड पे इम्पेक्ट पड़ा है कि लोगों को उसने जो पेश किया लोगों ने वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो इसी को हमने सॉफ्ट पावर एक्सप्लेन किया है, सॉफ्ट पावर की तरह इसको हमारी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। सो लुक हियर, थॉट्स, ड्रीम्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ मेनी पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी मच अमेरिकनाइज्ड, यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं, इवन केवल कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जहाँ की जो गवर्नमेंट है या तो उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है अपने पीपल के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर, अदरवाइज जो भी कंट्रीज फ्री हैं यानी कि वहाँ के जो पीपल हैं अगर उनको अपने अकॉर्डिंग रहने की उनको फ्रीडम दी गई है तो वो अडॉप्ट करते हैं इस तरह का कल्चर जो अमेरिका में है। इवन पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज में ये कल्चर जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो यही था आज का सॉफ्ट पावर, आपको समझ आ गया होगा, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आपका वहीं से ही आया है, मैकडी हमारा वहीं का एक ब्रांड है बहुत बड़ा। तो किस तरह से हम अपने आप को धकेलते जा रहे हैं, अपनी जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो यही है सॉफ्ट पावर कि अमेरिका की जो हेजेमनी है वो आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स में कल्चरली भी क्या होती जा रही है, बेसिकली पूरे वर्ल्ड पर एक तरह से फैलती जा रही है और अमेरिका उसमें भी अपनी हेजेमनी दिखाता जा रहा है। ओके, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू क्लास, ओके।